हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए एक और नई वीडियो। तो हम में से ज़्यादा लोग जब भी स्कूल बैग लेते तो हमारे दिमाग में एक वो जरूर रहता है कि जब भी बरसात हो तो स्कूल बैग ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी बुक्स को भीगने से बचा सके, यानी गीली होने से बचा सके, या अंदर जो भी सामान रखा है उसको भी गीले होने से बचा सके, ऐसा स्कूल बैग हम ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बैग लेते हैं। इसमें आता है, देखिए नीचे, इसमें नीचे आता है बैक पैक, मतलब रेन कवर आता है, ऐसा कुछ आता है, ऐसा रेन कवर आता है। और बच्चों में तो इसका एक क्रेज सा ही है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि नीचे रेनकोट है, जब बरसात हुई तो बचाने के लिए वो लगाएंगे दिखाने के लिए, तो बच्चों में ऐसा क्रेज होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब ये वाटरप्रूफ होता है या नहीं? तो उसका जो जवाब है वो आपको चौंका देगा। तो कल क्या है, कल हम ये बैग लाए थे तो मेरे खुराबे में पता नहीं कहाँ से आया कि इस बैग का जो रेन कवर है उसमें पानी भरते हैं, और जब मैंने पानी भरा तो फिर जो हुआ वो मुझे चौंकाने वाला था, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये रहा रेन कवर, तो ये मैं 300 रुपए का लाया हूँ, आप देख सकते हैं आराम से। तो चलिए इसको चेक करते हैं एक बार, मैं आपको बता देता हूँ क्या आया कर रहा है। तो ये देखिए रही प्लेट, इसमें हम डालेंगे पानी और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमें से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि मतलब ये वाटरप्रूफ होता है पूरी तरीके से, ये कपड़ा है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है, तो आज पता चल जाएगा ये वाटरप्रूफ है या नहीं। तो ये देखिए कि मैंने थोड़ा पानी डाला, थोड़ा सा डाल देता हूँ, क्या वो पूरे में फैल जाएगा। ये देखिए अगर आप नीचे देखेंगे प्लेट में, देखिए पानी पानी आ चुका है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैंने कल भरा तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने तो पता पूरा भर दिया था यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, अभी तो फिर भी मैंने कम भरा है इसलिए कम ही टपक रहा है। ये देखिए मतलब ये वाटरप्रूफ क्यों नहीं है, हम ज्यादा लोग ये सोचते हैं ना कि वाटरप्रूफ होता है, तो ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब एक तरीके से ये सही है कि बुक्स को बचा सकता है, बुक्स को इसलिए बचा सकता है क्योंकि जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं ना तो बैग क्या है ऐसा होता है, ज्यादातर पीठ पर टंगा रहता है, तो पीठ पर टंगा रहता है तो क्या है, ये जब बूंद गिरती है पानी की तो वो क्या है उसको नीचे डाल देता है, तो तब हमारी बुक्स बच सकती है। लेकिन अब जब घनघोर बारिश हो रही हो, बैग अगर ऐसे में धरा हो तो पानी जाने के पूरे चांसेस है। तो आप देख सकते हैं मतलब ऐसा कुछ होता है, देखिए पूरा पूरा पानी निकल चुका है, अब तो थोड़ा सा और रह गया है, मतलब निकलता है, मतलब वाटरप्रूफ है पर उस हिसाब से नहीं है कि फुल वाटरप्रूफ हो सकता है। कि क्या कहते हैं जो और ज़्यादा महंगे बैग आते हैं तो 300-350 का आता है नॉर्मली, हो सकता है कि 2000 रुपये के जो महंगे महंगे बैग आते हैं उनमें शायद पक्का वाटरप्रूफ आता हो, पर जो नॉर्मल बैग आते हैं ना ये हमें बस दे दिए जाते हैं नाम पर। पर ये बुक्स को बचा सकते हैं अगर देखा जाए तो, अगर बैग अगर ऐसे में रखा हो, अगर वो ऐसे में रखा है तो मुझे लगता है कि बचा भी पाएंगे किसी हालत में। ये देखिए क्या हालत हो रही है, पूरा पानी अपने आप नीचे निकल गया, अभी तो मैं पकड़ा होता तो कब का निकल गया होता, वो तो क्या नीचे दबा था उस चक्कर में, देखिए कितना सारा पानी नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ऐसा कपड़ा आता है ना बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं होता। तो आज के बाद गलत फहमी किसी हालत में मत रखना कि वाटरप्रूफ होता है, वो हो सकता है कि जो ज़्यादा महंगे बैग आते हैं शायद उसमें आता भी हो या ना भी आता हो, लेकिन ये जो लोकल बैग्स आते हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोस्तों आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना ठोक कर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम इस चैनल पर एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते रहते हैं।